कुछ और बातें, थोड़ा सा हिस्ट्री में और चलेंगे, फिर हम एग्जैक्टली अभी भारत का जो फाइनेंस मिनिस्ट्री और बजट कैसे बनाता है उसके ऊपर आ जाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले जिस तरह से भारत में ये प्रोसीजर शुरू हुआ, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया, क्लियर। अब हमारे देश के संविधान में बजट के बहुत सारे प्रोविजन है, उसको समझना बहुत जरूरी है। एक अनुच्छेद यहाँ पे रखा गया, आर्टिकल 112। अनुच्छेद कौन सा रखा गया? 112। और इसके सामने ये रखा गया एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट, एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट या डॉक्यूमेंट कहिए, हिंदी में क्या वर्ड यूज करेंगे? वार्षिक वित्तीय विवरण। और ये बात जो है संघ के लिए रखी गई, संघ मतलब केंद्र के लिए, यानी केंद्र की सरकार एक वर्ष के लिए अपना एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट पेश करेगी, जो संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति की अनुमति से ही पेश होगा। ये बात कौन से अनुच्छेद में रखी गई है? 112। इसका मतलब पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी बजट वर्ड का उल्लेख नहीं है। ये सवाल बन सकता है कि बजट शब्द का उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है, बजट की जगह कौन से शब्द का प्रयोग है? तो आपको उत्तर में क्या लिखना है? वार्षिक वित्तीय विवरण। हमारे देश के संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन जिस तरह से संघ के एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट की बात 112 में, ऐसे एक आर्टिकल राज्यों के लिए भी आएगा, कौन सा? 202, अनुच्छेद 202, राज्यों का वार्षिक वित्तीय विवरण। तो वहां भी ये लिखा हुआ है कि राज्यपाल यदि वहां पे एक है तो एक सदन, दो है तो दोनों सदनों के समक्ष क्या रखेगा? उस राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाएगा, उसकी अनुमति से प्रस्तुत होगा। प्रस्तुत करेगा कौन? देखो होगा कहां पे, तो आप कहेंगे विधायिका में, लेजिस्लेशन। विधायिका को हम यहां क्या नाम देंगे? संसद। और राज्यों में क्या नाम देंगे? विधानमंडल, क्लियर है। यहां किसकी अनुमति से पेश होगा? राष्ट्रपति। यहां किसकी अनुमति से होगा? राज्यपाल। यहां कौन पेश करेगा? फाइनेंस मिनिस्टर। और यहां भी कौन पेश करेगा? फाइनेंस मिनिस्टर। इसका मतलब यह साफ है कि केंद्र का बजट अलग होता है, राज्यों का बजट अलग होता है। केंद्र अपने डायरेक्शन में बजट बनाता है, अपनी अप्रोच से बजट बनाता है, अपने इनकम अपने एक्सपेंडिचर को देखता है, राज्यों की आय और राज्यों के खर्चे बिल्कुल अलग है। इसका मतलब राजस्थान सरकार का बजट अलग है और भारत सरकार का बजट अलग है, क्लियर है। हो सकता है बहुत सारी चीजें कॉमन तरीके से समझ में आए, लेकिन बहुत सारे कॉन्सेप्ट दोनों बजट में अलग अलग तरीके से आते हैं। लेकिन नो डाउट पहले हम ये समझेंगे, इसके बाद इसको भी देख लेंगे। तो आपसे ऐसा सवाल पूछा जा सकता है, बजट कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्री। किसकी अनुमति से प्रस्तुत करता है? केंद्र में राष्ट्रपति, राज्यों में राज्यपाल। कहां पेश करता है? विधायिका, मतलब केंद्र में पार्लियामेंट में और राज्यों में स्टेट लेजिस्लेशन में, राज्य विधानमंडल में, क्लियर है। यह बात कौन से अनुच्छेद में लिखी हुई, ऐसा पूछा जाए तो अनुच्छेद 112 में और 202 में, क्लियर है। इसके बाद भी बजट की बहुत सारी बातें, जैसे अनुच्छेद 113 में जाएंगे, वहां लिखा हुआ है अनुदानों की मांग, चर्चा और मतदान। 114 में जाएंगे तो वहां पे लिखा हुआ है अप्रोप्रिएशन बिल, के बजट में मांग यदि पास हो जाए तो उसमें से पैसा कैसे निकालना, ये हम आगे पढ़ेंगे पूरा। 115 में कई तरह के अनुदान की बात है, 116 में लेखानुदान है, 117 में एक बिल है जिसे फाइनेंस बिल कहते हैं, इसके अलावा 110 में एक बिल है जिसे मनी बिल कहते हैं। और मनी बिल को लाने की पूरी प्रक्रिया, धन विधेयक को लाने की पूरी प्रक्रिया कौन से आर्टिकल में? 109 में। तो जैसे केंद्र में प्रोविजन है वैसे ही राज्य में, यहां 203 भी होगा, 204 भी होगा, 205 भी होगा, 206 लेखानुदान, 207 वित्त विधेयक। इसका मतलब केंद्र और राज्यों के प्रोविजन को कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग तरीके से, एक को भाग 5 में, एक को भाग 6 में रखा गया है, ये अभी हम पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखने भी कहीं ना कहीं बजट निर्माण की प्रक्रिया में जरूरी है। तो एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। कुछ और बातें, सवाल जैसे दोबारा रिपीट करें, क्या भारत के संविधान में बजट शब्द है? हाँ या ना? ना। तो बजट के स्थान पर कौन सा शब्द है? वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किन अनुच्छेदों में है? केंद्र के लिए 112 और राज्यों के लिए 202। केंद्र में किसकी अनुमति से प्रस्तुत? राष्ट्रपति। राज्य में? राज्यपाल। इस तरह की बातें आपको पूछी जा सकती है। कुछ और बात, हमारे देश में पार्लियामेंट की बात करें, अब हम केंद्र की बात करेंगे, राज्यों का लगभग कॉमन है,
ठीक है, राज्यों का पार्ट लगभग कॉमन है, पहले केंद्र समझ लेंगे। तो निर्माण की प्रक्रिया में राज्य पे ज्यादा फोकस नहीं करना। संसद के अंदर तीन सत्र होते हैं, सेशन कितने होते हैं? तीन। तो सबसे पहले यदि हम फरवरी की बात करें तो जो सेशन आता है उसे क्या कहेंगे? ये सबसे लंबा सेशन होता था पहले, अभी तो इसको थोड़ा और शॉर्ट कर दिया है। विपक्ष इस बात पे काफ़ी नाराज़ भी है कि भारत की जो वर्तमान सरकार है वो कई मामलों में चर्चा नहीं करना चाहती, और चर्चा नहीं करना, प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देना, जवाब को लेकर टालम टोल करना, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। कभी ब्रिटिश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि प्रश्नकाल लोकतंत्र का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, लेकिन ये गवर्नमेंट जो है ये हर चीज़ को जल्दी में करना चाहती है, ये चर्चा पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रही है, इसीलिए डेमोक्रेटिक फॉर्म में कई तरह के बिल पास नहीं हो रहे हैं, गवर्नमेंट डोमिनेट कर रही है। ये बात कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा हूँ, कौन कह रहा है? विपक्ष कह रहा है। तो विपक्ष का इस तरह का आक्षेप है गवर्नमेंट पे। गवर्नमेंट का ये कहना है कि बजट को इतने लंबे समय तक ले जाने का ऑब्जेक्टिव क्या है? भाई पहले फरवरी के लास्ट वीक में आता था, कभी कभी मार्च में आता था, फिर सेशन चलता था, चर्चा होती थी, चर्चा होते होते कई बार मई जून का समय लगता था, जबकि फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होता है? 1 अप्रैल। तो गवर्नमेंट कहती थी 1 अप्रैल को पैसा चाहिए, अभी बजट तो पास हुआ ही नहीं। जब बजट पास नहीं होता था तो यहां एक शब्द लिखा हुआ है जिसे बोलते थे वोट ऑन अकाउंट, हिंदी में इसे कहते थे लेखानुदान। क्या कहते थे? तो वो परंपरा आज भी है, लेकिन लेखानुदान के भरोसे गवर्नमेंट चलती थी, और जो बजट पास होने में लगभग 3-4 महीने लग जाते थे, ऐसी व्यवस्था राज्यों में भी होती थी। इससे जो एफिशिएंसी है, जो आप कह सकते हैं बजट एफिशिएंसी, बजट को अच्छे से प्रदर्शित करने का जो उद्देश्य है वो फेल हो जाता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने अभी रिसेंट में ये कहा कि मैक्सिमम 75 डेज जो है, हो सके तो उससे भी कम दिनों में बजट को प्रस्तुत करने से पारित करने की प्रक्रिया क्या हो जानी चाहिए? पूरी हो जानी चाहिए। कितने दिनों के भीतर? 75 दिनों के भीतर। तो आप समझिए फरवरी से ज़्यादा मार्च, नहीं तो लगभग 15 अप्रैल तक बजट क्या हो जाए? पास हो जाए। इससे लंबा ये सेशन नहीं होना चाहिए। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन बनता है कि बजट कौन से सेशन में पास होता है? नाम ही है उसका क्या? बजट सत्र। साल का पहला सत्र है, राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होता है। किसके स्पीच से शुरू होता है? अभिभाषण। अभिभाषण मतलब वो पूरा तैयार किया हुआ है मंत्रिपरिषद के लिए, इसलिए भाषण वर्ड नहीं आएगा। क्या आएगा? अभिभाषण, क्योंकि उसमें एज इट इज बोलना है। और वित्त मंत्री को भी मंत्रालय के द्वारा पूरा बना हुआ खाका दिया जाता है, इसलिए वित्त मंत्री का भी भाषण नहीं होता, उसे क्या कहेंगे? अभिभाषण। तो जो पहला सेशन होता है उसे बजट सेशन कहते हैं। क्या वर्ड यूज करेंगे? बजट सेशन। ये 1 फरवरी से शुरू हो जाएगा, और आप ये कहेंगे मार्च अप्रैल तक चलेगा। कब तक चलेगा ये? मार्च अप्रैल। और इसमें बजट को पास करवाने के सारे काम होंगे। बजट निर्माण के कई चरण यहाँ से निकलेंगे। बजट पर पार्लियामेंट्री परमिशन लेना जरूरी है। किसकी परमिशन लेनी जरूरी है? संसदीय। आप कहेंगे कहीं संसद की क्या लेनी जरूरी है? परमिशन। परमिशन मतलब स्वीकृति। संसदीय स्वीकृति के बिना बजट पास नहीं हो सकता। ऐसा सवाल कभी कॉन्सेप्चुअल भी पूछा जाए तो ध्यान रखना। क्लियर है? तो ऐसे छोटे छोटे कई सवाल बनते हैं, तो बजट कहाँ आता है, कैसे पेश होता है, किस तरह की चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। ये जो तीन सत्र है इसमें बाद के सत्र कहलाते हैं मानसून और शीतकालीन, वो बाद की बातें। अब हम जब पहली बार ये बजट सत्र प्रस्तुत होता है या बजट सत्र आता है, आप यहाँ भी यही कहेंगे बजट लाने से 1-2 दिन पहले पिछले वित्त वर्ष की, मतलब अभी हम 21-22 की बात कर रहे हैं, कौन से वित्त वर्ष की बात करेंगे? 20-21। ये वाला मंत्रालय कौन सा? फाइनेंस मिनिस्ट्री। पिछले वित्त वर्ष के यानी 20-21 की एक समीक्षा जारी करेगा, सर्वे जारी करेगा, जिसे आर्थिक सर्वेक्षण भी कह सकते हैं, जिसमें पिछले वित्त वर्ष में सरकार ने जो बजट में घोषणाएं की थी उन पे कितनी सरकार खरी उतरी है, इन बातों को लेके एक मसौदा तैयार होता है। भारत के सभी जागरूक लोगों को इस मसौदे को समझने में मजा आता है। सरकार के कार्यों को लेके आप एक अपना विजन तय कर सकते हैं, आप अपनी दृष्टि तय कर सकते हैं, आप ये सोच सकते हैं सरकार ने कितना अच्छा काम किया और कितना बुरा किया। हालांकि आर्थिक समीक्षा सरकार की वाहवाही होती है, तो सरकार कहीं उसमें ऐसा आंकड़ा प्रस्तुत नहीं करती। यदि कुछ गलत भी हुआ है तो सरकार कहेगी कोई ना कोई कारण था। क्लियर है? और पिछली सरकारों या विपक्ष के मत्थे कोई बात मर दी जाती है कि इनकी वजह से ऐसा हुआ, तो कुछ ऐसी बातें हमें लिखनी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिखिए, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है?
थोड़ा स्पीड से चलेगा देखो, और हालांकि स्पीड तो अभी लग ही नहीं रही है कि स्पीड है। ठीक है, लिखिए। आप लिखिए, भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 112, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112/202, संविधान के अनुच्छेद कौन से 112/202 में संघ / राज्य के, यूनियन / स्टेट के, संघ / राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरण एनुअल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट या एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र किया गया है। इसको अंडरलाइन कर देना, वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी बजट के स्थान पर कौन सा शब्द है, वार्षिक वित्तीय विवरण, ये पूछा जा सकता है। वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख किया गया है या जिक्र किया गया है। ठीक है, आप लिखिए, बजट वित्त मंत्रालय बनाता है या वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों का विभाग बनाता है, यह सवाल आईएएस में पूछा गया है। बजट वित्त मंत्रालय का कौन सा विभाग बनाता है, आर्थिक मामलों का विभाग बनाता है। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, वित्त मंत्रालय में कुल कितने विभाग है, टोटल कितने डिपार्टमेंट होते हैं, 5, ब्रैकेट में लिख दो, कुल 5 विभाग होते हैं, उसमें से एक विभाग का नाम है आर्थिक मामलों का विभाग। एक एक्सपेंडिचर विभाग होता है, एक रेवेन्यू विभाग होता है, ठीक है, इस तरह के कई नाम हैं। टोटल कितने डिपार्टमेंट होते हैं, 5, उसमें बजट बनाने वाला विभाग कौन सा है, आर्थिक मामलों का प्रभाग या विभाग कह सकते हैं। लिखिए, बजट को वित्त मंत्री के द्वारा बजट को वित्त मंत्री के द्वारा राष्ट्रपति / राज्यपाल की अनुमति से, दोनों का एक साथ आ जाएगा, राष्ट्रपति / राज्यपाल की अनुमति से प्रेसिडेंट / गवर्नर की परमिशन से, बजट को प्रेसिडेंट और गवर्नर की परमिशन से, राष्ट्रपति / राज्यपाल की अनुमति से, संसद / विधानमंडल, पार्लियामेंट / स्टेट लेजिस्लेशन, संसद / विधानमंडल में पेश किया जाता है, संसद / विधानमंडल में पेश किया जाता है। ठीक है, यह बजट निर्माण का प्रथम चरण होता है। यह बजट निर्माण का कौन सा चरण होता है, फर्स्ट स्टेप होता है, प्रथम चरण होता है, बजट निर्माण का पहला चरण होता है। हालांकि बजट की प्रक्रिया, बजट निर्माण की प्रक्रिया, हालांकि क्या लिखें, बजट निर्माण की प्रक्रिया सितंबर महीने से ही शुरू हो जाती है, बजट निर्माण की प्रक्रिया सितंबर महीने से ही शुरू हो जाती है, सितंबर महीने से ही शुरू हो जाती है। देखिए, अलग अलग विभागों से जो फाइनेंस मिनिस्ट्री वो पूछती है आपकी नीड क्या है, आने वाले वर्ष में आपका खर्चा कैसा होगा, आपको पूरा विवरण के साथ भेजना है, मतलब विभाग को
पूछा जाता है पिछले वर्ष आपने कहाँ कैसा खर्च किया, इस साल आपके जो खर्चे थे जितना आपने मांगा था उसमें कितना खर्च किया, और अभी 31 मार्च तक आप और किस तरह से खर्च करोगे, आने वाले वर्ष में आपके खर्च का अनुमान कैसा होगा। साथ ही साथ आप टिप्पणी लिख के भेजोगे, मतलब अपना फीडबैक भी दोगे, आप उस पूरे पॉइंट ऑफ व्यू पे डिटेल भी बताओगे कि जो ऑब्जेक्टिव के लिए आपने पैसा मांगा था। हमारे देश में आजकल अमेरिका से कॉपी किया हुआ एक बजट लागू होता है जिसे बोलते हैं परफॉर्मेंस बजट। परफॉर्मेंस बजट का मतलब होता है निष्पादन, कि खर्चों से ज़्यादा उद्देश्य पर बल होता है, कि जिस उद्देश्य से आपने पैसा मांगा था विभाग ने, बहुत सारे विभाग है भारत में राज्यों में, विभाग से पूछा जाता है क्या वो उद्देश्य पूरा हुआ या नहीं हुआ, या पैसा लेने का जो कारण है वो कुछ और था, आपने खर्चा तरीके से नहीं किया, कहीं CAG के माध्यम से स्कैम आ जाए, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इसका मतलब बजट बनाने की प्रक्रिया में विभागों से विस्तृत ब्यौरा लेने की प्रक्रिया कब से शुरू हो जाती है, सितंबर। नो डाउट ऐसा कोई विभाग नहीं होगा जो ये कहेगा कि उसे कम पैसा चाहिए, हर विभाग क्या कहेगा, ज़्यादा ही चाहिए। तो फिर उसका इंस्पेक्शन होता है, वित्त मंत्रालय अपनी तरफ से पूरा निरीक्षण करता है, कई तरह के वहाँ पे अन्य संस्थाएं होती है जो इस तरह की रिकमेंडेशन करती है कि इसको इतना पैसा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। बजट बनाने में देश का जो थिंक टैंक है जिसे हम नीति आयोग कहते हैं, देश में जो ऑडिट करने वाला मेन अधिकारी है जिसे हम CAG कहते हैं, जो संस्था के फॉर्म में पहचाना जा सकता है, और साथ ही साथ प्रशासनिक मामलों का मंत्रालय भी देखता है कि वेतन, प्रशासन और दूसरे खर्च कितने हैं। इसका मतलब बजट बनाने में कई विभागों और संस्थाओं की क्या ली जाती है, मदद ली जाती है। कौन लेता है ये मदद? वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार करता है और 1 फरवरी को उसे संसद के पटल पर रखता है। कौन सी तारीख को? 1 फरवरी। उससे पहले एक फॉर्म बना के कई विभागों को भेजा जाता है, उसे स्केल्टन फॉर्म कहते हैं। कौन सा फॉर्म कहते हैं? स्केल्टन। उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे कोर्स में लिखा हुआ है बजट निर्माण, हम आउट ऑफ कोर्स कोई बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि उसकी सारी प्रक्रियाओं को हम समझें। क्लियर है? तो लिखिए, संसद के मुख्यतः 3 सत्र होते हैं, संसद के मुख्यतः 3 सत्र होते हैं, उसमें सबसे पहला और बड़ा सत्र बजट सत्र कहलाता है। उसमें सबसे पहला और बड़ा सत्र सेशन बजट सत्र कहलाता है। उसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा सत्र क्या कहलाता है? बजट सत्र कहलाता है। इसमें बजट निर्माण का कार्य किया जाता है, इसमें बजट निर्माण का कार्य किया जाता है। बजट निर्माण का कार्य किया जाता है। बजट निर्माण का कार्य किया जाता है। बजट को 1 फरवरी को, बजट को सामान्यतः जनरली ये कह सकते हैं 1 फरवरी को, ये डिसीजन कौन से बजट में लिया गया था कि बजट 1 फरवरी से होगा? 17-18 के बजट में, तो ब्रैकेट में लिख दो 17-18 के बजट से। ब्रैकेट बंद। संसद के पटल पर रखा जाता है, संसद के पटल यानी मंच पे रखा जाता है। संसद के पटल पर रखा जाता है, वित्त मंत्रालय द्वारा बजट से 1-2 दिन पहले, वित्त मंत्रालय द्वारा बजट से 1-2 दिन पहले चालू वित्त वर्ष की, करंट फाइनेंशियल ईयर की, अभी ये वर्ष चल ही रहा है क्योंकि वित्त वर्ष कब खत्म होता है? 31 मार्च, और अभी बजट पेश होने वाला तारीख क्या है? 1 फरवरी। तो इसका मतलब इसको हम करंट कहेंगे या पिछला वित्त वर्ष कहेंगे? करंट कहेंगे, चल ही रहा है अभी, ये कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आप क्या लिखेंगे? बजट से 1-2 दिन पहले चालू वित्त वर्ष की
आर्थिक समीक्षा जारी की जाती है, आर्थिक समीक्षा जारी की जाती है। कई बार ऐसा सवाल पूछा जाता है, आर्थिक समीक्षा कौन जारी करता है? तो वित्त मंत्रालय जारी करता है, वित्त मंत्री के माध्यम से। किसके माध्यम से? वित्त मंत्री। ठीक है, आर्थिक समीक्षा जारी की जाती है। जो सरकार के आर्थिक कार्यों का आईना होती है, जो सरकार के आर्थिक और सामाजिक कार्यों का आईना होती है, सरकार बताती है हमने पिछले वर्ष में क्या क्या काम किए, आर्थिक और सामाजिक कार्यों का आईना होती है। सरकार के आर्थिक और सामाजिक कार्यों का आईना होती है। ये महत्वपूर्ण सी बातें हैं, इसमें आगे लिखिए, वित्त मंत्रालय को बजट बनाने में फाइनेंस मिनिस्ट्री को बजट बनाने में वित्त मंत्रालय को बजट बनाने में नीति आयोग, नीति कमीशन, वित्त मंत्रालय को बजट बनाने में नीति आयोग कॉमा CAG, आपने नाम सुना होगा, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये देश में ऑडिट का काम करता है। नहीं सुना है तो आपके सिलेबस में है, आगे आ जाएगा पॉलिटी के सिलेबस में। तो पहला क्या लिखा, नीति आयोग कॉमा क्या लिखा, CAG, तथा प्रशासनिक मामलों का मंत्रालय या कार्मिक मामलों का मंत्रालय कह दो, प्रशासनिक मामलों का मंत्रालय इसमें सहायता करता है। प्रशासनिक मामलों का मंत्रालय मिनिस्ट्री इसमें सहायता करती है, प्रशासनिक मामलों का मंत्रालय इसमें सहायता करता है। बजट जारी होने से पहले मंत्रालय के अधिकारी कर्मचारी बजट जारी होने से पहले मंत्रालय के अधिकारी कर्मचारी वित्त मंत्री की लीडरशिप में, क्या लिखा आपने, बजट जारी होने से पहले मंत्रालय, कौन से मंत्रालय की, वित्त मंत्रालय के अधिकारी कर्मचारी वित्त मंत्री के नेतृत्व में, फाइनेंशियल जो मिनिस्टर है उसकी लीडरशिप में हलवा सेरेमनी, यही वर्ड लिख लीजिए, हलवा सेरेमनी का आयोजन करते हैं। भाई शुभ कार्य से पहले कुछ मीठा हो जाए, ठीक है, यही उनका ऑब्जेक्टिव होता है। तो क्या लिखेंगे, हलवा सेरेमनी का आयोजन करते हैं। देखो हम लोगों के लिए बहुत सामान्य बात है कि बजट बन रहा है, लेकिन बनाने वाले लोग जो होते हैं जनरली इससे जुड़े हुए कई लोग जो प्रेस से रिलेटेड है या जो कोर लेवल पे इसका बहुत सारा काम कर रहे हैं, महीनों महीनों अपने घर नहीं जाते, डायरेक्शन होता है उनके लिए सीधा सा, घर वालों को कह दिया जाता है कि भाई मैं अब नॉर्थ ब्लॉक में हूँ, कहाँ पे हूँ, नॉर्थ ब्लॉक, दिल्ली में जहाँ वित्त मंत्रालय स्थित है उसका नाम क्या है, नॉर्थ ब्लॉक, वहाँ आर्थिक मामलों के विभाग में पूरी तरह से सेटल्ड हो जाते हैं। उनके लिए ऐसी व्यवस्था भी होती है, वहीं रहे, उनको बाहर नहीं जाना है, भूमिगत हो जाते हैं, बस उद्देश्य यही है, कोई जानकारी क्या नहीं होनी चाहिए, लीक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यदि पहले ही जानकारी लीक हो जाए तो सरकार की कार्य करने की शैली जो है उसकी आलोचना होती है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, बहुत सारी बातें बाहर आ रही है। गवर्नमेंट को बहुत सारी बातों को क्या रखना पड़ता है, कॉन्फिडेंशियल। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आर्थिक रूप से जब निर्णय लिए जाते हैं तो चीज़ों को थोड़ा कॉन्फिडेंशियल रखना जरूरी है। जैसे नवंबर 2016 में भारत की सरकार ने एक ऐसा ही निर्णय लिया था, कौन सा, डीमोनेटाइजेशन। ये पहले ही गा गा के कह दिया जाता कि भाई आप 500 और 1000 जो नोट है उसका अच्छे से प्रबंध कर लो क्योंकि हम नोटबंदी करने वाले हैं, तो क्या होता, प्रबंध और अच्छा होता है। हालांकि उसकी एफिशिएंसी को लेके, नोटबंदी जो लागू हुई उसके ऑब्जेक्टिव को लेके आज भी क्वेश्चन उठते हैं क्योंकि बहुत सारा पैसा वापस आ गया था। RBI की जो रिपोर्ट आई थी उससे गवर्नमेंट पे सवाल भी उठे थे, उसको लेके पार्लियामेंट में कमेटी भी बनी थी। लेकिन नो डाउट कई ऐसे टास्क है जिनको कॉन्फिडेंशियल रखना बहुत ही जरूरी है। क्लियर है, आगे लिखिए। तो देखो मोटी मोटी बातें, बजट कौन बनाता है, वित्त मंत्रालय। किसकी लीडरशिप में बनाता है, वित्त मंत्री। किसकी अनुमति से पेश किया जाता है, राष्ट्रपति। कहाँ पेश किया जाता है,
इसका मतलब कभी कभी पूछा जाए ऐसा सवाल बन सकता है, बजट बनाने में मुख्यतः भूमिका है, ऑप्शन में दे दिया एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, ऑप्शन में दे दिया विधायिका यानी लेजिस्लेशन, ऑप्शन में दे दिया न्यायपालिका यानी जुडिशरी, और ऑप्शन में दे दिया मीडिया। तो सही उत्तर क्या होगा भाई? हो सकता है इसमें से दो सही हो, ठीक है, हमारे यहां सवाल ऐसे नहीं आएंगे चारों में से एक ही सही होगा। फिर नीचे लिखा होगा कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। बताइए बजट बनाने में किसकी भूमिका? लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी यानी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। एक तो कार्यपालिका, सरकार किसमें आती है? एग्जीक्यूटिव। और जितने भी पार्लियामेंट वगैरह किसमें आते हैं? विधायिका। तो ये दोनों मिलकर बजट बनाते हैं। बजट बनाने में जुडिशरी का कोई रोल नहीं है, वो एकदम सेपरेट है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक विशेषता है, स्वतंत्र न्यायपालिका। हाँ, मीडिया जो है वो गा गा के जरूर सुनाएगा बजट में ये आया। आप आजकल देखते हैं मीडिया पे पैनल बैठ जाते हैं, स्पोक पर्सन बैठते हैं, कोई कांग्रेस का प्रवक्ता, कोई बीजेपी का, कोई आम आदमी पार्टी का। यदि मोदी का बजट है तो कांग्रेस वाला कहेगा इससे बुरा बजट इतिहास में नहीं आया, ये तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम का बजट है। कैसा बजट है? तुगलक ही बजट है, ऐसा वर्ड यूज किया जाएगा। तुगलक ने उस समय जो भी काम किए थे वो उस पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से लॉजिकल नहीं थे। हालांकि आज भी हम तुगलक की कई चीज़ें बजट में लागू करते हैं। आगे जाके आप पढ़ेंगे घाटे का बजट, डेफिसिट बजट, तो घाटे की बजट की अवधारणा भारत में सबसे पहले किसने लागू की थी? तुगलक ने। तो कई लोग वर्तमान की सरकार को तुगलक की सरकार से कंपैरिजन करते हैं। इधर गहलोत साहब जब बजट पेश करते हैं तो कई शायरियाँ सुनाते हैं आप, बहुत शायराना अंदाज में राजस्थान का बजट आता है, और शायराना अंदाज में ये जितने आक्षेप करते हैं, जितना आरोप लगाते हैं, किस पे लगाते हैं? केंद्र पे। इनको लगता है कि इन्हें कुछ दिया ही नहीं, इनकी हालत बहुत ख़राब है, और इसका पूरा का पूरा जो आक्षेपण होता है या कारण होता है वो कौन होती है? केंद्र की सरकार। तो बजट जब आता है अपने आप में एक बहुत बड़ा माहौल बन जाता है, मीडिया कुछ दिन पहले से माइक लेके जगह जगह पहुंच जाता है। मीडिया के आदमी तो ये सोचते हैं हलवा सेरेमनी में भी हमारा आदमी होना चाहिए, वहाँ भी कोई पहुंच जाए, क्यों ना फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर जाके अंत तक हर चीज़ को पहले से लाया जाए, इस बार बजट में ये होगा वो होगा। नौकरी पेशा आदमी भी देखता है, क्या पता टैक्स में कुछ रियायत मिल जाए, टैक्स स्लैब जो है वो थोड़ा और फ्लेक्सिबल कर दिया जाए। गरीब आदमी को भी कई योजनाओं का लाभ मिलता है, वो भी बजट को समझने का प्रयास करता है। लेकिन हमारे देश की विडंबना है, हमारे देश में आर्थिक ज्ञान ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं माना जाता, ग्रेजुएशन तक लोगों को लगता है कि इस ज्ञान का कोई इम्पॉर्टेंस ही नहीं है। कई कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे पोएम अच्छी बोल देते हैं और बहुत सारे काम कर लेते हैं, जो एक्टिविटीज स्कूल में होती है उसमें बहुत अच्छा पार्ट कर लेते हैं, लेकिन जब उनको पूछा जाए देश में बजट कैसे बनता है, नहीं पता। उन्हें नहीं पता कि आर्टिकल कौन से है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। इसीलिए हमारे देश की जो परीक्षा आधारित शिक्षा है वो थोड़ी कमजोर है, लेकिन आपको पता होना चाहिए हमारे देश का बजट कैसे बनता है। क्लियर है? कुछ बातें और समझते हैं आगे। देखिए बजट निर्माण जो है इसके मुख्यतः पांच चरण, लेकिन इन पे जाने से पहले हम बजट का, मैंने अभी आपको एक बात कही थी, एक फॉर्म जारी होता है और उस फॉर्म में हर विभाग को ये विवरण भर के भेजना होता है कि आपकी क्या क्या डिमांड है, मांगों पे विभागों को अपना ब्यौरा देना पड़ता है। तो अनुच्छेद एक है 113, कौन सा अनुच्छेद है? 113। और ऐसे एक अनुच्छेद आएगा 213 केंद्र और राज्य के संदर्भ में, क्या है समझिए। एक होता है आपकी धन निकालने की, याद रखना इकोनॉमी में ये शब्द जब भी आए ना इससे घबराना नहीं है, इसे इंग्लिश में अप्रोप्रिएशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ऑडिट में भी ये शब्द आता है, अकाउंटिंग में भी आता है, बजट में तो बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, और इसको लेके एक बिल भी है अनुच्छेद 114 और 204 में, इसे अप्रोप्रिएशन बिल ही नाम दिया जाता है। हिंदी में इसके लिए क्या शब्द बोलते हैं? तो कभी आपसे पूछे विनियोजन का मतलब क्या है तो आप क्या कहेंगे? पैसे को निकालना। यदि हम एटीएम से पैसा निकाल रहे हैं विनियोजन, कुछ भी मान लीजिए ऐसा, धन निकालने को लेकर यदि कोई प्रोसीजर है
उसको फॉलो करने से संबंधित प्रक्रिया क्या कहलाती है? विनियोजन। विनियोजन मतलब जो आपने प्लानिंग की थी अब उसका इंप्लीमेंटेशन का टाइम आ गया है, आपने जो प्लानिंग की थी उसमें से पैसा निकालने की बारी आ गई है। तो धन निकालना एक लाइन में शॉर्ट में पूछे, विनियोजन का मतलब क्या है? पैसा निकालना। अब कहां से निकालना, तो याद रखना जितना पैसा आता है गवर्नमेंट के पास उसको अभी मैं शॉर्ट में आपको समझा रहा हूं, पूरा पैसा या तो टैक्स के फॉर्म में आता है या गवर्नमेंट उसको कहीं ना कहीं ऋण के रूप में लेती है। पैसा किस रूप में आता है? या तो आता है पैसा सरकार की सैलरी के रूप में, और सरकार की सैलरी के रूप में जो पैसा आता है उसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। यानी जो पैसा सरकार के लिए बार बार इनकम के फॉर्म में क्रिएट हो उसको क्या बोलते हैं? राजस्व। यदि एक लाइन में पूछे राजस्व क्या होता है, तो आप ये कह सकते हैं बार बार किया है। बार बार की आय आपके लिए क्या क्रिएट करेगी? एसेट्स, आपके लिए परिसंपत्तियों को बनाना शुरू कर देगी। जैसे मान लीजिए आप आरएएस बनते हैं तो आपको हर महीने क्या मिलेगी? सैलरी, तनख्वाह मिलेगी। तनख्वाह आपके लिए क्या है? राजस्व। क्यों राजस्व है? क्योंकि आपकी रेगुलर इनकम है, समझ गए। लेकिन इसकी एक और कंडीशन है, बार बार की आय जिसे वापस नहीं देना है, मतलब किसी तरह का कोई फाइनेंशियल बर्डन गवर्नमेंट पे नहीं क्रिएट करती है आय। कौन सी आय? राजस्व आय। उल्टा गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है, इसका मतलब एसेट क्रिएट करती है लेकिन ये शब्द क्रिएट नहीं करती। जैसे क्या बोलते हैं? दायित्व। इसे लायबिलिटीज कहते हैं। क्या कहेंगे? लायबिलिटीज क्रिएट नहीं करती। यदि मैं ये कहूं कि मैं हर वर्ष सैलरी के फॉर्म में 12 लाख रुपए कमा रहा हूं और महीने की मेरी तनख्वाह लाख रुपए, तो 12 लाख रुपए मेरे साल की कौन सी आय कहलाएगी? राजस्व आय। क्योंकि मुझे इनकम क्रिएट हुई, मतलब मेरे एसेट बने। अब ये 12 लाख रुपए में से मैं चाहूं तो पूरी सेविंग कर लूं, चाहूं तो गाड़ी ले लूं, चाहूं तो मकान ले लूं, चाहूं तो और किसी में खर्च करूं, घर के खर्चे चलाऊं, मेरी जो इच्छा है मैं करूं। इसका मतलब मेरे ऊपर एसेट तो क्रिएट हुए, क्या नहीं क्रिएट हुई? लायबिलिटीज। लेकिन इसी पर्टिकुलर वर्ष में मैंने क्या किया? मैंने एक बैंक से लोन ले लिया। मैंने एक बैंक से क्या लिया? लोन। और वो लोन मान लीजिए 6 लाख रुपए का है। कितने लाख रुपए का है? 6 लाख। आप समझना, लोन से मेरे लिए एसेट तो बने, मेरे बैंक में पैसा आ गया, लेकिन लोन के पैसे को मैं मेरी मर्जी से खर्च करूं, ये अच्छी बात नहीं है। उसका कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि उसके साथ एक शब्द और क्रिएट हो रहा है। कौन सी? तो कभी कभी पूछा जाए राजस्व की परिभाषा बताइए, बहुत सरल है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप कहेंगे ऐसी आय जिससे परिसंपत्तियों का सृजन तो होता है लेकिन दायित्व का सृजन नहीं होता। इंग्लिश में कहें ऐसे इनकम जिससे एसेट क्रिएट होते हैं लेकिन लायबिलिटी क्रिएट नहीं होते। तो ऐसी आय को हम कौन सी आय कहते हैं? राजस्व। बजट में इंपॉर्टेंट वर्ड है। लेकिन एक शब्द और आता है जिसे बोलते हैं पूंजीगत। पैसा दो तरीके से आता है और दोनों तरीके से जाता भी है। दो तरीके से आता है और दो तरीकों से जाता भी है। जैसे मान लीजिए मैंने लोन लिया और लोन लेके मैंने उसको कहीं निवेश किया। लोन लेके मैंने उसको कहीं निवेश किया, ये अच्छी चीज है या बुरी? अच्छी, क्योंकि निवेश करूंगा तो जो लोन मैंने लिया है वो मुझे क्या देगा? बेनिफिट देगा। लेकिन मैंने लोन इसलिए लिया ताकि मेरे घर के खर्चे चले, तो ये अच्छी बात नहीं है। घर के खर्चों को उसी से चलाना चाहिए जो रेगुलर प्रोसीजर है। इसका मतलब आपको अपने घर में पैसा खर्च करना है तो पैसा किस रूप में खर्च करना चाहिए? जो राजस्व आई आई है उसी में से पैसा खर्च होना चाहिए। लेकिन लोन का पैसा आपके लिए किस रूप में है? एसेट भी क्रिएट कर रहा है और लायबिलिटी, तो उसके लिए वर्ड आता है कैपिटल। क्या वर्ड आता है? तो आप याद रखना बजट में दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं, एक होता है राजस्व और एक होता है, आपको पूछा जाए बजट में कितने अकाउंट होते हैं तो आप कहो दो अकाउंट होते हैं। बजट में कितनी अवधारणाएं होती है मुख्यतः, बजट के कितने पार्ट होते हैं, कुछ भी पूछे दो शब्दों में बजट डिवाइड हो जाएगा। एक तो राजस्व खाता और एक पूंजीगत खाता। क्लियर है? राजस्व में क्या होगा? पैसा आएगा और जाएगा भी, लेकिन वो पैसा आपके ऊपर एसेट क्रिएट करेगा, क्या क्रिएट नहीं करेगा? लायबिलिटी। लेकिन कैपिटल में जो पैसा आएगा वो क्या करेगा? क्या करेगा? एसेट भी क्रिएट करेगा और लायबिलिटी। मतलब इसके लिए आप क्या कहेंगे?
पूंजीगत के लिए इस तरह से कह सकते हैं, एक बार की आय जिसे क्या कहेंगे वापस भी देना है। बार बार की आय क्या कहलाएगी? राजस्व। लेकिन उसके लिए एक अच्छी बात यह है जिसे वापस नहीं देना है। तो फाइनेंशियल बर्डन किसकी वजह से बढ़ेगा, पूंजीगत की वजह से या राजस्व की वजह से? तो आजकल कई तरह के एक्ट बन चुके हैं गवर्नमेंट के खर्चों को नियंत्रित करने के लिए। वो ये कहते हैं कि सरकार को अपनी राजस्व आय को तो बढ़ाना चाहिए और पूंजीगत आय में क्या करनी चाहिए, कमी करनी चाहिए। यदि गवर्नमेंट की कैपिटल इनकम बढ़ेगी तो गवर्नमेंट के ऊपर क्या बढ़ेगा, बर्डन बढ़ेगा। पिछली बार सारे सवाल आपके इसी नेचर में आए, यानी बजट निर्माण के सवाल कम थे, लोक वित्त के सवाल अच्छे थे। तो हम ये जो टॉपिक है ये पूरा किस में आएगा, लोक वित्त में। पहले समझना जरूरी होता है राजस्व क्या होता है, पूंजीगत क्या होता है। हम वापस यहाँ आते हैं, जब हम बजट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, बजट, तो एक टॉपिक आता है विनियोजन की मदें, इसको हम कहेंगे एप्रोप्रिएशन आइटम्स। किन किन आइटम्स में हम पैसा निकालेंगे, मतलब ऐसे कौन कौन से कॉन्सेप्ट है जिससे हम पैसा निकालेंगे। तो इसमें मान लीजिए आपने रखा शिक्षा, तो शिक्षा का एक होल बजट होगा। फिर शिक्षा के अंदर बहुत सारे पार्ट आते हैं, जैसे आपने सुना होगा प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है, और भी बहुत सारे शिक्षा के, प्राइमरी एजुकेशन में भी बहुत सारी चीजें आ सकती है, मिड डे मील, ठीक है। मिड डे मील में भी पता चला पहली से पांचवी का अलग है, छठी से आठवीं क्लास का अलग है। तो ऐसे में ये जो विनियोजन की मदें हैं ये चार भागों में डिवाइड हो जाएगी, जिसे हम कहेंगे मेजर हेड, माइनर हेड। याद रखना कोई जरूरी नहीं है, मैं सिर्फ तरीका बता रहा हूं, सब हेड, और चौथा बनेगा सब डिटेल्ड। यहां बहुत विस्तार से हर बात बतानी पड़ेगी। हेड मतलब मेजर हेड, मतलब जो सबसे मेन पार्ट है, क्या है, एजुकेशन, जैसे मेडिसिन है, या ये कहें कि मेडिकल लाइन है, चिकित्सा, तो अपने आप में क्या बन जाएगा, मेजर हेड। और यदि उसमें कोई कोविड या कोई और बात आ जाए, जैसे ये आ जाए कि निःशुल्क जांच योजना या निःशुल्क दवा योजना, वो किस में जाएगी, सब डिटेल्ड हेड। चीजें धीरे धीरे क्या होती जाएगी, एक ही बात में धीरे धीरे, जैसे एक मान लीजिए गणित बोले, अब गणित के अंदर ही कोई अलजेब्रा है, कोई ट्रिग्नोमेट्री है, धीरे धीरे वो क्या होता जाएगा, डिवाइड होता जाएगा। तो एक तो ये होता है सबसे पहले, इसके बाद क्या आता है, थोड़ा सा मैं चार्ट बनाता हूँ फिर डिटेल आपको समझाता हूँ। फॉर्म का नाम हमने क्या रखा था, स्केल्टन फॉर्म। कौन से वर्ष का हम बना रहे हैं, मान लो इस वर्ष के लिए बजट बन रहा था, उसी की बात करें। यहां पे हमने क्या रखा, विनियोजन की मदें, और यहां पे चार हमने रखी, कौन कौन सी, मेजर हेड, उसके बाद में थोड़ा याद कर लेना है, ठीक है, चीजों को समझना ज्यादा अच्छा रहता है, रटने से ज्यादा अच्छा है। कभी भी कोई बच्चा बोलता है मुझे चीजें याद नहीं होती, याद नहीं होने का कारण एक ही है, बिना कॉन्सेप्ट पढ़े कोई भी चीज आप पढ़ोगे तो रटना कहलाता है, लेकिन उसके अंदर घुसकर उसकी एक एक बात की परत खोल दोगे तो उसे क्या कहेंगे, समझना। तो समझ के पढ़ोगे तो बात भूलोगे नहीं, और रट के पढ़ोगे तो भूल जाओगे। फिर अगला क्या है, सब हेड, और चौथा सब डिटेल। अब आप समझिए, दूसरा चार्ट यहां बनेगा पिछले वित्त वर्ष के अंतिम ऑब्लिक वास्तविक आंकड़े। आंकड़ों के लिए एक शब्द और आता है अनुमान, इसके लिए कभी कभी आप सीधा एक शब्द देख सकते हैं एक्चुअल्स। क्या वर्ड आएगा, एक्चुअल्स, मतलब एक ऐसा वर्ष होगा जिसके फाइनल डेटा आपके सामने होंगे। फिर यहां पे एक टेबल होगी जिसका नाम होगा चालू वित्त वर्ष के अनुमान, अनुमान को आंकड़े भी कह सकते हैं। यहां पे होगा आगामी, आगामी मतलब जो आया है, या इसके लिए और क्या वर्ड यूज हो सकता है, आने वाला वर्ष क्या कहलाएगा, आगामी, या और कोई, ठीक है, आगामी वित्त वर्ष के
अनुमानित आंकड़े, यू भी कह सकते हैं आप। और लास्ट में एक वर्ड होगा रीमार्क्स। हिंदी में क्या कहेंगे? टिप्पणी। अब समझ लीजिए कौन से वर्ष का बजट हम बना रहे हैं, 21-22। तो आगामी वित्त वर्ष के अनुमानित आंकड़े, मतलब ये अनुमान लगाया जाएगा कौन से वर्ष का, 21-22। बजट कौन से महीने में बन रहा है? 1 फरवरी 2021 को लाया जा रहा है। मैं थोड़ा बैक चला जाता हूं, 1 फरवरी 2021 को बजट लाया जा रहा है। तो इसका मतलब आने वाले वर्ष के कौन से आंकड़े होंगे? अनुमानित। ये वाला वर्ष जो है वो अभी चल रहा है, कौन सा होगा? 20-21। अब ये वर्ष अभी पूरा नहीं हुआ है, तो इसे दो भागों में बांटा जाएगा। यहां पे दो लाइन अलग से आ जाएगी, एक तो आएगा संशोधित, इंग्लिश में कहेंगे रिवाइज्ड, क्या कहेंगे? रिवाइज्ड। और एक यहां पे वापस से आ जाएगा प्रस्तावित, या यहां भी अनुमानित या प्रस्तावित एक ही बात है, ठीक है। तो संशोधित आंकड़े, इसका मतलब आप फरवरी में बजट पेश कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा आप नवंबर दिसंबर तक के ले सकते हैं, लेकिन कहां से? 1 अप्रैल से लेकर नवंबर दिसंबर, इससे ज्यादा, क्योंकि बजट फरवरी में 1 फरवरी को पेश हो रहा है। तो हो सकता है जनवरी अंत तक के भी डेटा आपके पास प्रॉपर नहीं हो, क्योंकि उसको फिर प्रेस में भी रखना है, छापना भी है, तो समय तो लगता है इन सब चीजों। इतने बड़े देश का बजट बन रहा है, पूरे भारत के राज्यों के लिए भी बजट बहुत उपयोगी होता है, लोगों के लिए भी उपयोगी होता है। और ये जो है, ये अभी जो टाइम बचा है, समझ में आ रही बात, उसके लिए बजट पेश, मतलब आप ये कह सकते हैं प्रस्तावित, या प्रस्तावित का मतलब पूरे वर्ष का जो अनुमान आपने ऑलरेडी दिया हुआ था, कब दिया हुआ था? जो पिछले वर्ष इस जगह था वो यहां आ जाएगा, और अभी तक जो किया वो यहां आ जाएगा। और ये कौन से वर्ष का होगा? जिसके डेटा पूरी तरह से फाइनल आ चुके हैं। फाइनल डेटा मिलने से क्या, लोगों को ये समझ में आ जाता है कि राजकोषीय घाटा अभी कितना है, क्योंकि आने वाले वर्ष और चालू वर्ष के डेटा आपको प्रॉपर नहीं मिलते। तो कभी कभी ऐसा सवाल अच्छे से एग्जामों में पूछे गए, चाहे वो UPSC हो, चाहे MPPSC हो, बार बार ये सवाल मैंने बनते देखा है। आपसे पूछा जा सकता है लोक सेवा आयोग के माध्यम से कि बजट में कितने वर्ष के अनुमान जारी किए जाते हैं, आप क्या कहेंगे? 3 वर्ष। उन अनुमानों को आप किस रूप में जान सकते हैं, ऐसा पूछा जाए, स्केल्टन फॉर्म इसलिए है ये चीजें समझने के लिए। तो आप कहेंगे कि उसमें एक तो होता है जिसे बोलेंगे एक्चुअल्स, क्या बोलेंगे? एक्चुअल्स। एक होगा जिसे हम कहेंगे अस्थाई आंकड़े, जिसे हम कह सकते हैं प्रोविजनल एस्टीमेट, क्या कहेंगे? प्रोविजनल एस्टीमेट। और एक होगा जिसे हम कहेंगे बजट एस्टीमेट, आने वाला जो आंकड़ा उसे क्या कहेंगे? बजट के आंकड़े। लेकिन अभी हमारे देश में जो बजट आ रहा है वो कैसे आ रहा है आप समझो, अंतिम आंकड़े, संशोधित आंकड़े, या संशोधित की जगह यहां पे रख रहा हूं मैं, अंतिम आंकड़े, प्रस्तावित आंकड़े, और इसी के साथ संशोधित आंकड़े, और फिर वापस से प्रस्तावित आंकड़े। आपको समझना है, चार तरह के डेटा, यानी चार कैटेगरी में डिवाइड हो रहा है। इसको तो हम कहेंगे 21-22, इसको हम क्या कहेंगे? 20-21, और इसको क्या कहेंगे? 19-20। 19-20 के तो अंतिम आंकड़े, क्लियर है, जिसको आप एक्चुअल्स कह सकते हैं, ठीक है। यहां पे आप दो तरह के, बजट एस्टिमेट और रिवाइज एस्टिमेट, लेकिन लास्ट वाले को आप वापस से क्या कहेंगे? बजट एस्टिमेट, यानी प्रस्तावित आंकड़े। वर्ष तो 3 है, लेकिन आंकड़े प्रस्तुतिकरण के तरीके कितने भागों में डिवाइड हो जाएंगे? 4। 4 में क्यों डिवाइड होंगे, कारण पूछा जाए, क्या कहेंगे आप? ये कहेंगे एक वर्ष अभी पूरा नहीं हुआ है, उसमें जो घोषणाएं हुई थी उसको तो हम कहेंगे बजट एस्टिमेट, लेकिन अभी तक जितना हुआ है उसको हम क्या कहेंगे? रिवाइज एस्टिमेट। बात समझ में आ रही है? इस तरह के फॉर्म को हम बोलते हैं स्केल्टन फॉर्म। तो दोबारा पूछा जाए, स्केल्टन फॉर्म में मेजर हेड, माइनर हेड, सब हेड, सब डिटेल्ड हेड, पूरा डिटेल ब्यौरा होता है, जो जो मद के लिए आपको पैसा चाहिए विभाग को भर के भेजना पड़ेगा, कहां कहां कितना खर्च आपने पिछले साल किया उसका फाइनल डेटा,
इस वर्ष जितना आपको प्रस्तावित रूप में मिला था वो रखना है, अभी तक इस महीने तक आपने नवंबर दिसंबर तक कितना खर्च किया वो भी आपको रखना है, और आने वाले वर्ष में आप कितना मांग रहे हैं वो भी आपको रखना है। तो सवाल यदि ये बने कि बजट में कितने वर्षों के अनुमान रखे जाते हैं, तो सही उत्तर तो वही है, कितने? 3। हालांकि आप चाहो तो ये जो एक्चुअल डेटा है इसको, फिगर को और बड़ा कर सकते हो, टेबल को और बड़ा कर सकते हो। एक्चुअल डेटा केवल आप इस वर्ष का मत दो, आप पिछले कुछ वर्षों का दे दो, ताकि लोग बहुत अच्छे से बजट को क्या करें, कंपेयर करें। कंपैरिजन होगा तो बजट की कार्यकुशलता बढ़ेगी, आपकी ट्रांसपेरेंसी, आपकी एफिशिएंसी की तारीफ होगी कि आपने पिछले कई वर्षों का ब्यौरा दिया। कई बार ऐसा होता है 1950-51, 61-62, 71-72, 80-81, या इस तरह के कहें 10-10 वर्षों के अनुमान लेते हुए लास्ट के 5-6 वर्षों का पूरा एक लंबा टेबल दिया जाता है और जनता को कह दिया जाता है कि आप हमारी तुलना पिछले कई वर्षों से कर लो और देख लो हमारी प्रोग्रेस कैसी है, पिछले वर्षों की क्या हालत थी। तो इससे क्या होता है, बजट कार्यकुशल बनता है। तो आपसे पूछा जाए, वैसे प्रॉपर फॉर्म में आप यदि बजट देखेंगे तो कितने चार्ट बने होंगे इसमें? 4। 2021 का क्या कहलाए, सॉरी 21-22 अभी उसका क्या कहलाएगा, उसके लिए वर्ड आएगा बजट एस्टीमेट। क्या कहलाएगा? बजट एस्टीमेट। लेकिन चालू वित्त वर्ष के लिए बजट एस्टीमेट भी होगा और रिवाइज एस्टीमेट भी होगा। और पिछले वर्ष के कौन से आंकड़े होंगे? एक्चुअल्स। इसको हम कहते हैं स्केल्टन फॉर्म। नहीं आया समझ में? स्केल्टन फॉर्म में पिछले 3 वर्षों के आंकड़ों का प्रदर्शन किया जाता है। देखो बजट को समझना हर वर्ष के लिए जरूरी होगा। यदि आरपीएससी 2020 की जगह वापस टेस्ट मैच खेलने लगा तो पता चला कि जिस वर्ष का बजट अभी मैं लिखवा रहा हूं काम ही नहीं आए। ये आयोग टेस्ट मैच खेलने में दुनिया का सबसे लोकप्रिय संस्थान है, समझ रहे हैं? भर्ती 2018 की फिर आई 2021 में, और 21 की आई तो इस तरह से आई कि 3 महीने में पूरी प्रक्रिया पूरी करने की कवायद पे लगा है। और जनरली मैंने ऐसा देखा है, आप समझो यूपीएससी का कैलेंडर 1 साल पहले जारी होता है। यदि आरपीएससी मुझे सुन रहा हो तो मैं उसे सुना रहा हूँ, आप 1 साल पहले क्यों ना एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में कैलेंडर जारी करो, बच्चों को सही तरीके से आप बताइए कि आपका एग्ज़ाम फलानी तारीख को इस दिन होगा। अभी यूपीएससी के बच्चों को अच्छे से पता है उनका एग्ज़ाम कब होगा, और एक बच्चे को ऑर्गेनाइज फॉर्म में तैयारी, भले बच्चा कब से ही तैयारी कर रहा है लेकिन डेट आने के बाद तैयारी का तरीका बदल जाता है। अभी आपने फॉर्म भरवाए नहीं, उससे पहले पहले आपने तारीख दे दी, मात्र 25-50 दिनों में बच्चा कैसे तैयार कर लेगा, फिर उसको रिवीजन भी करना पड़ेगा। और जैसे ही थोड़ा सा प्रेशर बढ़ेगा आप तारीख फिर बढ़ा दोगे। ये बच्चों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, उनके मूल अधिकारों का हनन। हालांकि पता नहीं किस तरह से न्यायिक संस्थाएं भी इन चीज़ों को लेगी, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रक्रियाएं हैं ये बहुत ही जटिल प्रक्रियाएं, बहुत ही गंदी प्रक्रियाएं हैं। इससे एक बच्चे का सत्यानाश हो जाता है, उसकी तैयारी पूरी तरह से बदल जाती है। तैयारी करवाने वाले जो कोच होते हैं, जो गाइड होते हैं, वो असमंजस की स्थिति में चले जाते हैं। लेकिन नो डाउट यदि कुछ भी हो, एग्जाम कभी भी हो, आपको प्रक्रिया समझ में आनी चाहिए। तो पहले आपको ये ध्यान रखना है एप्रोप्रिएशन आइटम्स होते हैं, उसके बाद में पिछले वित्त वर्ष के अंतिम आंकड़े होते हैं, उसके बाद में चालू वित्त वर्ष के 2 तरह के आंकड़े होते हैं, और उसके बाद आगामी जो आने वाला वर्ष है उसके प्रस्तावित, अनुमानित से भी ज्यादा अच्छा क्या शब्द है, यहां प्रस्तावित लिखना। इसे समझने में बहुत टाइम लगेगा मुझे। लेकिन अच्छी बात क्या है, ये जितनी क्लास आपने आज पढ़ी, हालांकि मेरी राइटिंग में तो कोई मज़ा नहीं है, लेकिन कोई मैप अच्छा बनाने वाला होगा, या थोड़ी देर पहले राठौड़ सर आए थे, मेरे हिसाब से उनकी राइटिंग काफ़ी अच्छी है, तो आपको क्लास ख़त्म होने के बाद इस बोर्ड पे जितना लिखा उसकी PDF रोज़ शाम को मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं आज क्लास में मास्टर ने क्या क्या बोला, क्लियर है, और उससे आप रिविज़न कर सकते हैं। तो जो टेक्नोलॉजी मजबूत होती जा रही है, पढ़ाई के तरीके बदलते जा रहे हैं, हो सकता है फायदा भी हो। क्लियर है? तो बना लीजिए स्केल्टन फॉर्म जल्दी से।
आप ऐसा लिख सकते हैं कि बजट में 3 वर्ष के आंकड़ों का प्रदर्शन किया जाता है मुख्यतः, ऐसे चाहे तो कितने वर्ष के हो जाए, लेकिन मुख्यतः कितने वर्षों का आकलन दिखाया जाता है आपको, 3 वर्ष का, 3 वर्ष का एस्टिमेशन दिखाया जाता है आपको। बना लीजिए बढ़िया से आप स्केल्टन फॉर्म, आप ऐसा लिख लीजिए स्केल्टन फॉर्म में, विनियोजन की मदें, मेजर हेड, माइनर हेड, सब हेड, सब डिटेल्ड हेड, उसके बाद पिछले वित्त वर्ष के अंतिम / वास्तविक आंकड़े, इसे एक्चुअल्स कहते हैं, क्या बोलते हैं, एक्चुअल्स। उसके बाद आप चाहो तो इसमें कितने भी वर्ष लिख सकते हैं पीछे वाले। उसके बाद चालू वित्त वर्ष के अनुमानित या प्रस्ताव या चालू वित्त वर्ष के आंकड़े, ऐसे लिख दो, इसको भी थोड़ा सही कर लो आप। चालू वित्त वर्ष के आंकड़े ऐसे ही लिखना आपको, इसको 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, प्रस्तावित और संशोधित। प्रस्तावित पहले लिख दो, संशोधित बाद में लिखो, ये भी चलेगा। और लास्ट में आगामी वित्त वर्ष के प्रस्तावित आंकड़े, और सबसे लास्ट में रीमार्क्स यानी टिप्पणी। बना लिया, आप लिखिए, भारत में बजट निर्माण के मुख्यतः 5 चरण हो सकते हैं। भारत में बजट निर्माण के मुख्यतः 5 चरण हो सकते हैं।
कितने चरण हो सकते हैं? 5। पहले चरण को हम नाम दे सकते हैं वित्त मंत्री का अभिभाषण। मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले चरण को क्या नाम दिया जा सकता है? वित्त मंत्री का अभिभाषण। आप चाहो तो एक ट्रायंगल में पांचों चरण के नाम लिखे, फिर डिटेल हम पहले समझेंगे फिर लिखेंगे। तो पहला जो चरण है उसका नाम क्या है? वित्त मंत्री का अभिभाषण। इसको हम लिख चुके हैं एक बार को, समझ भी चुके हैं। अभी आपने जितनी बातें देखी कि बजट वित्त मंत्री संसद में पेश करता है, राष्ट्रपति की अनुमति लेता है, क्लियर है? और बजट का जो सारा विवरण होता है उसे 1 फरवरी को पेश करता है, क्लियर है? कब पेश करता है? 1 फरवरी। थोड़ा इसमें हिस्ट्री में चले जाएं, देखो पंडित नेहरू के टाइम से यदि बजट की बात करें तो फरवरी महीने के लास्ट डे, अमूमन यदि फरवरी 28 की है तो 28, 29 की है तो 29, इस तरह से बजट आता था। लेकिन अरुण जेटली साहब ने इस व्यवस्था को बदला और इसे फरवरी महीने के फर्स्ट वीक में लाने का एफर्ट शुरू किया। पहले बजट शाम को पेश होता था, लेकिन जैसे ही केंद्र में वाजपेयी सरकार आई, वाजपेयी सरकार में एक वित्त मंत्री थे यशवंत सिन्हा। क्या नाम था? यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा साहब ने बजट सुबह 11 बजे पेश करना शुरू किया। तो पहले बजट शाम को पेश होता था, लेकिन अब बजट सुबह पेश होता है। बजट का आप ये कह सकते हैं 90 के दशक में लाइव टेलीकास्ट होना शुरू हो गया। इसका मतलब जब बजट शुरू होता है तो उसका लाइव प्रसारण होता है और पूरा भारत उसको सुनता है, दुनिया उसको सुनती है कि भारत का बजट कैसा है। तो इस तरह की कई बातें, बजट एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन चुका है। बजट के कई टाइप है, जैसे परफॉर्मेंस बजट होता है, लाइन आइटम बजट होता है, जीरो बेस बजट होता है। तो बजट के कई नए कॉन्सेप्ट हमने दुनिया से कॉपी किए हैं या लिए हैं, उसको लेकर हमने कई विशेषज्ञों को बुलाया है। जैसे निष्पादन बजट हमने जब लागू किया तो हमने अमेरिका के एक विशेषज्ञ को बुलाया था, और उसके बाद जीरो बेस बजट लागू किया तब भी हमने जो अमेरिका का एक प्रांत है जॉर्जिया, उसके बाद पूरे अमेरिका, और उसके बाद इंडिया के कई डिपार्टमेंट में इसको लागू किया गया था। तो ये सारी बातें आपके मेंस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ इसका इतना वेटेज नहीं है, इसलिए इस पर हम ज़्यादा फोकस यहाँ नहीं करेंगे। 5 चरण जो है उसको हम एक एक करके उठाना शुरू करेंगे। दूसरे चरण का नाम है सामान्य चर्चा। पहला है स्पीच ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर, दूसरा है एक जनरल डिस्कशन होता है, सामान्य चर्चा। यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तीसरा चरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा समय लेता है। इसका नाम है जो ग्रांट्स होते हैं, जिसे अनुदान कहते हैं, अनुदानों की मांग करना, उस मांग के ऊपर चर्चा करना और बाद में उसके ऊपर क्या करना? वोटिंग करना। तो अनुदानों की मांग, चर्चा और मतदान, ये बात अनुच्छेद 113 में लिखी हुई है और 203 में भी लिखी हुई है। जितनी भी ग्रांट्स है, डिमांड है, उसके बारे में चर्चा करना, वोटिंग करना। और ये वोटिंग कहां पे होगी? इसका मतलब बजट पे केवल वित्त मंत्रालय कंट्रोल नहीं कर रहा, बजट पे पार्लियामेंट भी कंट्रोल कर रही है। आगे जाके मेंस में आएगा बजटरी कंट्रोल। तो बजट पे नियंत्रण केवल सरकार नहीं करती, संसद भी करती है, क्योंकि संसद की परमिशन के बिना कोई बजट पास नहीं हो सकता। पहले उस पर वोटिंग होगी, जैसे वोटिंग होगी, मान लीजिए शिक्षा विभाग ने कहा कि उसे 1,00,000 करोड़ रुपए चाहिए तो मिल जाएगा, तो वोटिंग होना जरूरी है। वोटिंग होने का मतलब शिक्षा विभाग को ये मांग क्या हो गई? पास हो गई। लेकिन पूरा पैसा जो पड़ा है वो भारत की एक निधि में है, जिसे बोलते हैं संचित निधि। अभी मैंने आपको कहा था कि राजस्व और पूंजीगत रूप में जितना पैसा आएगा वो सारा पैसा इस फंड में जाएगा, और इस फंड का नाम है कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और ऐसा ही स्टेट का फंड होता है, ये संविधान के आर्टिकल 2661 में लिखा हुआ है। कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है? 2661। उसमें ये लिखा हुआ है कि संचित निधि जो है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन संचित निधि से धन निकालना हो, वापस एक शब्द आएगा, अप्रोप्रिएशन। क्या शब्द आएगा?
धन निकालना, उसके लिए एक चरण है जिसे बोलेंगे एप्रोप्रिएशन बिल लाया जाता है। एप्रोप्रिएशन बिल, इसे हिंदी में कहेंगे विनियोजन विधेयक। क्या वर्ड यूज करेंगे हम लोग? विनियोजन विधेयक, विनियोजन विधेयक। यह बात अनुच्छेद 114 में लिखी हुई है और 204 एप्रोप्रिएशन बिल, यानी जो भी मांग पास हो चुकी है, जो पैसा जारी होने की अनुमति मिल चुकी है, लेकिन वो पैसा पड़ा कहां है? संचित निधि में। उस निधि से पैसा निकालने के लिए संसद की अनुमति लेने की प्रक्रिया, ये वाला बिल कहलाती है। कौन सा बिल? एप्रोप्रिएशन। अभी इस पे डिटेल में देख लेंगे। और लास्ट में कोई टैक्स रिलेटेड यदि प्रस्ताव लाने हो, कोई कर से संबंधित या कोई ऐसी बात जो वित्तीय मुद्दों को लेकर जरूरी है, उसे सबसे अंत में जोड़ा जाता है। और इसके लिए जो बिल लाया जाता है उसे बोलते हैं फाइनेंस बिल, वित्त विधेयक। और ये बात भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 117 और 207 में लिखी गई है। तो आपको पूछा जाए बजट निर्माण का सबसे अंतिम चरण कौन सा विधेयक है? वित्त विधेयक। पहला चरण क्या कहलाएगा? वित्त मंत्री का अभिभाषण। दूसरा सामान्य चर्चा। तीसरा अनुदानों की मांग, उसके ऊपर चर्चा और मतदान। चौथा विनियोजन विधेयक। और पांचवा वित्त विधेयक। ये कंप्लीट होते हमारा बजट निर्माण कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले हम समझेंगे, उसके बाद इसको डिटेल लिखेंगे। अब एक बार को हम रिवाइज कर लेते हैं जो आज की खास बातें थी। सबसे पहले भारत में बजट किसने पेश किया? सबसे पहले भारत में बजट पेश करने वाला व्यक्ति कौन था? जेम्स विल्सन। कब? 1860। पहली बार भारत में बजट पर चर्चा करने को लेकर कब अधिकार दिए गए? भारत परिषद अधिनियम 1892। पहली बार रेल बजट आम बजट से अलग कब हुआ? 1924 में। लेकिन आम बजट में शामिल कब हुआ? 17-18 के बजट, ऐसे आपको बताना है। क्या आज भारत में डबल बजट सिस्टम लागू है? नहीं है। आज भारत में सिंगल बजट सिस्टम है। भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? आर के षणमुखम सेट्टी, ऐसे बताना है। एस्टीमेट कमेटी के गठन का सुझाव किस वित्त मंत्री ने दिया था? जॉन मथाई। समझ में आ रही बात? बजट को संसद में पेश कौन करता है? वित्त मंत्री। बजट बनाता कौन है? वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय दिल्ली में कहां स्थित है? नॉर्थ ब्लॉक में। वित्त मंत्रालय में कितने विभाग होते हैं? 5। कौन सा विभाग ये बजट बनाता है? आर्थिक मामलों का विभाग। इसमें वित्त मंत्रालय को सहायता कौन करता है? सीएजी, नीति आयोग और प्रशासनिक मामलों का मंत्रालय। बजट वर्ष कौन सा होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। हालांकि शंकर आचार्य कमेटी बनी थी जिसने कहा था कि बजट वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर होना चाहिए, लेकिन राज्यों के गतिरोध, जीएसटी का जो चेंजेज आया और बहुत खर्चीला होने के कारण वित्त वर्ष को बदला नहीं। यदि वित्त वर्ष बदल जाता तो देश के पूरे बही खाते बदल जाते, और ये प्रक्रिया जटिल भी होती, लंबी भी होती और खर्चीली भी होती। इसीलिए जुलाई 2016 में गठित शंकर आचार्य कमेटी के रिकमेंडेशन को भारत सरकार ने नहीं माना। लेकिन हो सकता आने वाले वर्ष में भारत का बजट वर्ष बदल जाए, क्योंकि कैलेंडर वर्ष अलग है, बजट वर्ष अलग है, दोनों में तालमेल नहीं बैठता। इसीलिए बजट वर्ष को कैलेंडर वर्ष से जोड़ा जाए, ये कई बार रिकमेंडेशन आती है। ऐसे कई सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। क्या भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख है? नहीं है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद बजट से संबंधित है? 112-202। बजट के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयुक्त में लिया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। राजस्व का मतलब एसेट का क्रिएट होना और लायबिलिटी का क्रिएट होना, सही है गलत है? एसेट क्रिएट होता है, लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती। जहां से दोनों क्रिएट होते हैं, एसेट भी लायबिलिटी, उसे क्या बोलते हैं? पूंजीगत खाता, कैपिटल अकाउंट। तो ऋण किस में जाएगा? पूंजीगत में। सैलरी किस में जाएगी? राजस्व में। टैक्स किस में जाएगा? राजस्व में। ये सारी बातें हम पब्लिक फाइनेंस पढ़ेंगे, ठीक है? ब्रेक ले लीजिए, वापस आके हम निर्माण की प्रक्रिया और लोक वित्त के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।